अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है उसमें काफ़ी हीट नज़र आ रही है। सो हमने देखा है कि इमरान खान साहब जो अपना उनका लॉन्ग मार्च था उसको वहीं पे छोड़ के चले गए। उनके ऊपर शदीद क्रिटिसिज्म आया है कि वो क्यों चले गए। उनके इवन जो फॉलोअर्स हैं वो भी उनके ऊपर क्रिटिसाइजम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्यों चले गए एकदम, हम लोग तो यहाँ पे रहने आए थे, ठहरने आए थे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो क्रिटिसिज्म है ये अनकॉल्ड फॉर है, इस तरह उनके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने क्या डिसीजन लेना है। लेकिन दोनों ओपिनियंस में मेरा ख्याल है कि जो वैलिड पॉइंट्स हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। साथ साथ हमने देखा कि एक एटम बॉम्ब जो है वो पेट्रोल बॉम्ब की सूरत में छोड़ा गया और अब हम देख रहे हैं कि बिजली का बॉम्ब जो है वो भी गिरने वाला है। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जंप, कभी हमने अपनी लाइफ में ये नहीं देखा कि 30 रुपीज पर लीटर एकदम जंप आया हो। ये बहुत बड़ा जंप है। तो इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अब मुकदमात एक दूसरे के खिलाफ किए जा रहे हैं। केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने वजीर अजम के खिलाफ और वजीर दाखिला के खिलाफ मुकदमे का ऐलान किया है। इधर से हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात का ऐलान किया गया है। तो ये जो सूरत हाल है इसमें हम बहुत सारी अजीब सी चीजें देख रहे हैं कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तेजी से जिसको कहते हैं बुलडोज किया जा रहा है, वो जो लॉज बनाए जा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के असम्बली से पास करवाए जा रहे हैं और उसमें नैब भी है, उसमें ईवीएम वगैरह का भी केस है। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ ये चीजें, ये हुकूमत कर क्या रही है और इसका क्या एजेंडा क्या है, इसका जरा तजिया करेंगे। और हमें इस मामले में ज्वाइन कर रही है हमारी दोस्त जनाब जुनैरा अजहर साहिबा, उनसे बात करेंगे। जुनैरा अस्सलाम वालेकुम जी। जुनैरा बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे जरा ये समझाइए कि ये जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं इसको आप पॉलिटिकली कैसे जस्टिफाई कर सकती हैं कि एक तरफ महंगाई शदीद किस्म की हो रही है, दूसरी तरफ हम एक केओस देख रहे हैं जो कि पॉलिटिकल केओस है, हर तरफ हमें एक अजीब मारामारी नजर आ रही है, और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ऐसे लग रहा है कि जिसको कोई एहसास तक नहीं है कि अवाम की इस वक्त क्या सूरत हाल है, उनके ऊपर बिजली के पेट्रोल बॉम्ब जो गिराए जा रहे हैं एंड दे आर लीस्ट पुश्ड अबाउट इट। तो इसको पॉलिटिकली कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? वेल थैंक यू इसरार। जस्टिफाई तो पाकिस्तान में कुछ भी करना बहुत आसान है। दो तीन एंगल्स होते हैं जिसकी बेस पे लोगों को चुप करा दिया जाता है, जिसमें से एक एंगल होता है नेशनल सिक्योरिटी का, दूसरा एंगल होता है जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई तो थ्रेट का जो आपका लैडर है वो बहुत एस्केलेट कर जाएगा, और तीसरा ये होता है कि जी ये बर्दाश्त कर लें फिर कहीं मार्शल लॉ की तरफ ना चले जाएं हम लोग। ये तीन चार हेड्स होते हैं जिसमें हम मूव कर रहे हैं पिछले 72-73 ईयर्स से। आप खत्मे नबूवत का मार्च याद कर लें 50s में, और उसके बाद जितने भी लॉन्ग मार्च या धरने हुए हैं या तो उन्होंने इंस्टेंटली इतनी इंस्टेबिलिटी फैलाई कि मार्शल लॉ आ गया या विद इन 5 ईयर्स मार्शल लॉ आ गया। हर एक की आपको जो एंड हिस्ट्री है ना, एंड रिजल्ट इन धरनों का, लॉन्ग मार्चेस का, वो यही मिलेगा। और वो हमें ये बताती है ये चीज़ के जब भी पॉलिटिकल लोगों के हाथ में डिसीजन मेकिंग जाती है, ये डिसीजन मेकिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट या पीपल करने के बजाय अपने लेटेस्ट रिव्यूज करना शुरू कर देते हैं, ये अपने बारे में पहले सोचना शुरू कर देते हैं। इनकी पॉलिसी मेकिंग भी ड्रिवन होती है टुवर्ड्स हाउ टू स्ट्रेंथन देयर ओन रूल। लॉन्ग टर्म में हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं और कैसे कोएलिशंस बनाएंगे, इलेक्टोरल सेटअप्स आगे जाके कैसे होंगे। और एक बड़ी रीसेंट एग्जांपल मैं आपको दूं कि एक साहब जिनको एक पब्लिक सेक्टर का हेड बनाया गया 2016 में, नवाज शरीफ साहब ने उनको अपॉइंट किया। जब वो उन्हें अपॉइंट कर रहे थे, उनसे डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने उनको बड़ा क्लियरली कहा कि 2023 का इलेक्शन तो हम जीते हुए, आप 2028 पे फोकस करें, जो टास्किंग आपको की जा रही है उसमें आप 2028 पे फोकस करें। यानी इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना जो ग्रैब है, इलीट ग्रैब है, उसको कंटिन्यू करने के लिए की हुई होती है। तो हमें डेविल्स एडवोकेट बन के सोचना चाहिए। देखें हम लोग तो इस मुल्क में हैं, हमें फौज भी चाहिए, हमें जुडिशरी भी चाहिए, हमें पॉलिटिशियंस भी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो हुकूमत चलती है, मुल्क चलते हैं। अब इस वक्त जो इस वक्त हालात हुए हैं उसमें
मुझे तो कभी भी इसमें कोई शक नहीं रहा कि पॉलिटिशियंस भी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन अब आके यूँ लगने लगा है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अपनी इंटेग्रिटी के बारे में पहले सोचते हैं और गुडविल ऑफ द पीपल के बारे में बाद में सोचते हैं। अगर इंस्टीट्यूशंस अपना डायरेक्ट ताल्लुक या अपनी डायरेक्ट पल्स कनेक्ट करें विद द मैसेस, उन्हें ये समझ आ जाए कि हमारी असल स्ट्रेंथ लोगों का प्यार है, लोगों का हम पे रिलाई करना है, दे विल गो ऑल आउट फॉर अस एंड दे हैव ऑलवेज गॉन आउट फॉर अस जहां भी जरूरत पड़ी है, तो वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजंस ऐसे करने शुरू कर सकते हैं जिससे थोड़ी सी हीट नीचे चली जाए। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, आई डोंट सी वन इंस्टीट्यूशन जिसकी तरफ हम देखें और कहें कि ये हमें बचा सकता है। और ये जो धरने की बात है, इमरान खान वाले धरने की, इसमें जो उनकी वापसी हुई है, इसमें इंटरनेशनल ब्रोकर्स इन्वॉल्व हुए हैं। मतलब हम पे ये वक्त आ गया है कि अब इंटरनली हमारे पास ट्रस्ट डेफिसिट इतना है कि इंटरनली मॉडरेट करने के लिए भी कोई नहीं बचा। तो द गेम इज बिगर देन व्हाट इज वी आर विटनेसिंग ऑन टीवी स्क्रीन्स एंड न्यूज़ एंड एनालिसिस एंड ऑल दैट। और हम बातें कर मेरा रहे हैं। ये जो आपने बात की है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिसकी तरफ हम देख सकें, तो यहां से तो लगता है कि बड़ी होपलेस सिचुएशन है अगर ये सूरत हाल आ गई है कि जहां पे आप हमें कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो इस काबिल नहीं रहा कि जो हमें बचा सके और हम उसकी तरफ देख सकें और उम्मीद लगा सकें कि नहीं ये एक इंस्टीट्यूशन है जो हमें बचा लेगा जब भी कोई कोई इवेंचुअलिटी इस तरह की आएगी, तो फिर तो एक होपलेस ही सिचुएशन नजर आती है। जाहिर है। अच्छा, और इसमें सिर्फ जो एक ब्लीक से सिल्वर लाइनिंग है ना, वो भी ये है कि इलीट को जब ये समझ आ जाएगी ना कि ये मुल्क ही नहीं रहा तो इलीटिज्म किधर जाएगा, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि थोड़ा सा स्पेस हर एक को मिल जाए। नहीं, लेकिन फिर अभी ये ना हो ना कि टू लिटिल टू लेट वाली बात हो जाए। देखिए, टाइमिंग इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नैब के सरबरा की पोस्टिंग की बात हो रही है कि किसको मुकर्रर किया जाएगा, उसमें जिन जज साहब की बात आ रही है उसके बारे में लोगों ने, जी उन्होंने उसमें लोगों ने ऑलरेडी वो जो मलिक रियाज का एक केस था मलीर में उनकी लैंड का, जिसमें ही वॉज द ओनली वन सेइंग कि दिस इज लीगल, तो वहां उनका भी बायस आ गया है। तो आप अनबायस लोग कहाँ से लाएंगे, दैट्स द थिंग। और मैं एक रिसर्च पेपर पे काम कर रही हूँ, मेरे प्रोफेसर जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि फाइंड आउट एन एग्जाम्पल कि अगर हम जो प्राइवेट पॉलिसी मेकर्स हैं या प्राइवेट सिविल लोग जो बहुत काम कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, रिसर्च सेक्टर में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, क्या हम उनमें से एडवाइजर्स नहीं ला सकते? क्योंकि उनके स्टेक्स कम होंगे इन द सिस्टम, उनके पर्क्स, उनकी एफिलिएशंस अटैच नहीं होंगी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, एफिलिएशंस नहीं होंगी। तो हम जितनी अगर हम चाहें तो हम सिविक इंगेजमेंट करके, क्या हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? क्या हमारे पास ब्यूरोक्रेसी से बाहर लोग नहीं है? मोईद यूसुफ को ला के हमने अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया था ना, तो अगर हम इम्पोर्ट करके ला सकते हैं तो डोमेस्टिकली इतने लोग हैं जो फारिग बैठे हुए हैं और बहुत काम कर रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और बड़ी उनके लिए रिस्पेक्ट है लोगों के दिलों में कि ये तो बड़े न्यूट्रल लोग हैं। तो हम क्यों घूम फिर के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और जजेस और इन्हीं में जाते हैं, अगेन बैक टू स्क्वायर वन, बिकॉज इलीट को सूट करता है। तो टाइमिंग्स इस वक्त जो आपने बात की है, इस वक्त टाइम है कोई किसी एक इंस्टीट्यूशन को, किसी इंस्टीट्यूशन में से किसी एक सरबराह को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि इस वक्त जियो पोलिटिकल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत इकोनॉमिक ज्यादा हैं, एब्सोल्युटली और उसमें आपने ऐसे ऐसे टीयर्स पे चीजें ओपन कर दी हैं जिनकी अभी जरूरत नहीं थी। आई डोंट वांट टू मेंशन कि वो कौन सी चीज। ठीक। अच्छा, तो इसमें जो जो एक चीज इमरान खान साहब ने कही, मेरे ख्याल उन्होंने कल ही शायद ये बात की थी कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इसमें कौम का जो सबसे बड़ा इशू हो सकता है वो ये है कि वो बददिल हो जाएगी। अब ये जो बददिली है यानी एक होपलेसनेस जिस मैंने पहले कहा, तो वो मुझे इस तरह नजर आनी शुरू भी हो चुकी भी है कि मैं पिछले 2-3 दिन से लोगों से मिल रहा हूँ और जिनसे भी मेरी बात हो रही है उनमें से मैंने अक्सर को देखा है वो कह रहे हैं कि यार हम तो ये यहाँ से वाइंड अप कर रहे हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं। तो अगर ये जो सिचुएशन है अगर मल्टीप्लाई करती है तो वेयर डू यू सी इट गोइंग और वेयर आर वी हेडिंग?
देखिए, जो स्टेटलेस होना है ना, वो वर्स्ट थिंग है दैट कैन हैपन टू यू इन योर लाइफ, कि आपकी आइडेंटिटी ही कोई ना रहे, आपकी नेशनल आइडेंटिटी कोई ना हो. आप जाके यूरोप के किसी बेस्ट मुल्क में या अमेरिकाज में कहीं बेस्ट सिस्टम में जाके बैठ जाएं, लेकिन वंस योर आइडेंटिटी हैज बीन स्नैच्ड फ्रॉम यू, उससे बड़ा ट्रॉमा कोई नहीं होता और वो जेनरेशन तक ट्रैवल करता है. मुझे यूसुफ रजा गिलानी साहब का वो इंटरव्यू याद आ रहा है जिसमें बेकी एंडरसन ने उनको डेटा दिया था कि दिस इज द डेटा, पीपल डोंट वांट टू लिव इन पाकिस्तान एनी मोर, एंड ही सेड दैट देन व्हाई दे आर नॉट लीविंग. तो हाँ एटीट्यूड, देखिए डू आप, यू रिमेम्बर? तो ओह माय गॉड, एटीट्यूड ये है हमारे लोगों का कि वो कहते हैं अच्छा, जो नहीं रहना चाहता ना रहे. देखें, हाँ क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी, सस्टेन्ड एनर्जी, लोड शेडिंग ना हो, इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, आपका हेल्थ सिस्टम अच्छी, एजुकेशन, ये इस 2022 में बैठे हुए क्या हम कोई बहुत, वी आर आस्किंग फॉर मून? मच। हाँ वी आर नॉट आस्किंग फॉर मून फ्रॉम यू, वी आर आस्किंग फॉर वेरी बेसिक ह्यूमन राइट्स. आप और यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए ना कि यहाँ पे तो सूरत हाल ये रहती है कि हमें प्रोग्राम करना जो है वो मुश्किल पड़ जाता है कि इंटरनेट कभी ये हो रहा है, कभी इंटरनेट, वो हो रहा है, कभी वीक चल रहा है, कभी सिग्नल एग्जैक्टली नहीं आ रहा। मुझे मैं एग्जैक्टली आपसे अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी ये बता रहा था कि मैं दुनिया में जहाँ पे भी लोगों से इंटरव्यू करता हूँ, कभी कभी प्रॉब्लम नहीं आई मुझे आज तक। लेकिन जब भी मैं पाकिस्तान में लोगों से बात करता हूँ तो हमेशा सिग्नल का इशू होता है, तो आज मुझे तक हम याद अपना है, इंटरनेट डेटा नहीं ठीक कर सकते। ठीक करना नहीं चाहते ना, वो इंफॉर्मेशन से भी डरते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन से भी डरते हैं. मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान में नहीं थी, पूरा एक साल पाकिस्तान में यूट्यूब बैन था, और यहाँ जब हम किसी से भी बात करते थे या रोजाना घर वालों से बात होती थी तो समझ नहीं आती थी कि उस गैप को कैसे फिल करें, जो इतनी इंफॉर्मेशन इनको नहीं है और हमें है वहां बैठे हुए. तो आप लोग जितना अरसा चाहें लोगों को बैकवर्ड रख सकते हैं, इवेंचुअली दुनिया इतनी खुल गई हुई है कि आप रोक नहीं सकते चीजों को. बाकी सब छोड़ दें, जो उस दिन सड़कों पे हुआ, जो पुलिस ब्रुटैलिटी हमने देखी है, ओह माय गॉड, जो सीनियर सिटीजन, छोटे बच्चे, खवातीन, फीमेल, खवातीन के साथ। हम बड़ा इसमें वो एक प्राइड लेते थे ना कि जी हमारे यहाँ तो औरत की बड़ी इज्जत है, बहुत इज्जत है. गो के मैं इससे एग्री नहीं करती, लेकिन उस दिन हमने उसका जो स्टेट लेवल पे मुजाहरा देखा है वो दुनिया ने नहीं देखा होगा. और उसके बाद वी थिंक कि हम इंडिया को बैठ के बैशिंग करेंगे कि वो फासिस्ट रिजीम है. तो आप पहले गिरेबान में इंट्रोस्पेक्शन तो कर लें, आप पहले अपने गिरेबान में तो झांक लें. और क्या कोई एक कॉल ये सब कुछ रुकवा नहीं सकती थी? हमें पता है पावर यहाँ कैसे काम करती है, एक कॉल होनी थी, सब कुछ रुक जाना था. आप अपने लोगों पे यूनिफॉर्म में जब लोगों को टियर गैसिंग करते हुए देखेंगे, एक्सपायर्ड और पता नहीं क्या क्या, तो आपके आपका ये जो सवाल है, उसके बाद क्या यहाँ रहने को दिल करेगा? डू यू थिंक इट्स वर्थ इट कि आप सड़कों पे घसीट रहे हैं, लोगों के पानी की बॉटल्स चेक कर रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं इसमें पेट्रोल है, आप कहीं जाके आग लगा रहे हैं? कोई खातून है, यंगस्टर, आपसे पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं बर्दाश्त हो रहा. लाहौर में, लिबर्टी में, बिल्कुल आम लोग इस तरह इकट्ठे हुए हुए थे जिस तरह किसी फेस्टिवल पे इकट्ठे होते, वहां भी इन्होंने टियर गैसिंग की, वहां पे भी इन्होंने वही रवैया रखा. तो सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, ऑपरेशन, रिलीजियस ऑपरेशन एंड स्टेट ब्रूटैलिटी, ये दो चीजें इंसान को मजबूर कर देती हैं जहां पे आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो जाती है ना, और आपका इमोशनल कनेक्शन विद योर नेशनलिज्म जब ब्रेक करता है तो फिर आप रहना नहीं चाहते ऐसी जगह. तो फिर क्या पॉलिसी जो है आपको जो नजर आ रही है वो स्टेट पॉलिसी बन गई है कि लोगों को यहाँ से इतना दबाया जाए कि जो हमारे मुखालफीन है वो यहाँ से चले जाएं और हमें एक ऐसा आजाद मैदान मिल जाए जिसमें हम जो चाहें करते फिरें और जो चाहें करें और कोई हमें पूछने वाला भी ना हो। मेरे ख्याल है इसरार, अगर मैं बहुत हार्श वर्ड्स यूज करूं, 3-4 दफा लोगों के साथ ऐसा सलूक होगा तो दो चीजें होंगी, या तो वो घर से नहीं निकलेंगे, वो इन चीजों से दूर रहेंगे, दे वोंट आस्क फॉर देयर राइट्स, दे वोंट आस्क फॉर वट एवर दे आर आस्किंग फॉर, घर बैठ जाएंगे, जो दे देंगे आपको, आपको छोटा मोटा जो मिलता है लेंगे, उसमें गुजारा करेंगे. दूसरी ऑप्शन, जो लोग अफोर्ड कर सकते होंगे वो यहाँ से चले जाएंगे. तो दिस विल बी अ सेफ हेवन फॉर द सेम एलीट वी आर टॉकिंग अबाउट. So This is my that is a disaster. That is a disastrous scenario actually. Yes, it is. Indeed. हाँ Indeed. इसके बाद अच्छा when we talk to people in India,
फ्रेंड्स इन इंडिया, वी टॉक टू पीपल इन बांग्लादेश, पूरी दुनिया में लोगों में आपकी एक एक वो हाँ टीवी पे सब ऑब्वियसली कुछ ऑब्वियसली टेलीवाइज होता है तो एक एडवर्टाइज हो रहा होता है कि पाकिस्तान में इस वक्त ये हो रहा है. हाउ डू वी जस्टिफाई कि हमारी स्टेट हमें मार क्यों रही थी? हाँ सही बात हाउ डू सही वी बात। जस्टिफाई? अच्छा आप ये जरा इमरान खान साहब का जो फैसला हुआ उसके बाद हमने सुना कि शायद कोई डील हो गई है, लेकिन उसी के बाद हमने देखा कि ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, अब बिजली की प्राइसेस भी बढ़ने वाली हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब ने कौन से खिताब भी किया, उसमें उन्होंने 2,000 रुपये देने का ऐलान भी कर दिया, और साथ साथ अब जो उनकी पॉलिसी लग रही है वो यही है कि वो जाने वाले नहीं है, ना उनका कोई इरादा लग रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ये तो फिर हमें वो बैक टू स्क्वायर वन पे ले जाएगी, और फिर हम देखेंगे कि मामला जो है वो रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे, केओस की तरफ जाएंगे, और मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली पहले ही डिजास्टर्स पोजिशन में जा चुका है, और मजीद उसमें हम देखेंगे अबतरी आएगी। देखें, इकोनॉमिकली वायबल रखना तो सबके इंटरेस्ट में है, और जो फैसला इन्होंने कल लिया है वो तो इन्हें आते ही ले लेना चाहिए था, चाहे वो इमरान खान की गलती थी या जिसकी भी गलती थी. आपने तो फैसले लेने थे एज अ गवर्नमेंट. तो ये जो कोएलिशन है ये इनऑर्गेनिक है, वी ऑल नो इट. इनको जबरदस्ती इकट्ठा करके कहा गया है कि जी पोलिटिकल फेस तो रखना है ना, तो आप लोग आए और गवर्नमेंट संभाले. अब इनके अंदर भी आपको पता है डिविसिवनेस की इंतहा है. पीपल्स पार्टी हैव नथिंग टू लूज, वी ऑल नो दैट. दे हैव, मतलब आप अंदाजा करें, जब हम इधर मार खा रहे थे तो उस वक्त जेनेवा में फोटोशूट करवा रहे थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर शरीर रहमान के साथ और हिना रबानी खर के साथ, और उन्हें बता रहे थे कि हमारी सोसाइटी कितनी इंक्लूसिव है, लुक एट द वेमेन अराउंड मी. ठीक है, ऑप्टिक्स आप बेवकूफ समझते हैं लोगों को, यू थिंक दिस इज नॉट बीइंग नोटिस्ड. उसके अलावा क्या फॉरेन मिनिस्टर ने वहां से बैठ के कोई इंटरवेंशन करने की कोशिश की? क्या उनके वालिद साहब, जो कि पाकिस्तान की सियासत के भी वालिद साहब हैं, उन्होंने रोकने की कोशिश की? मतलब आप हीरो ही बनने की कोशिश कर लें, पॉलिटिक्स में ड्रामे ही है ना, आप ड्रामा ही कर लें कि नहीं ये मत करें, डोंट डू दिस. एक रेडियो साइलेंस था, इसका मतलब है एवरीबडी वर्सेस इमरान खान. इस वक्त सिचुएशन ये है. तो इमरान खान ने जो बैठ के वापस जाने की जो भी डिसीजन मेकिंग की, चाहे डील की वजह से की या जैसे भी, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा किया, बिकॉज लोगों को बिठवाने का, इस सारा दिन के मार खा के वहां तक पहुंचे हुए लोगों को वहां बिठाने से बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता था. तो क्या आप ये समझ रही हैं कि जो उनका ये फैसला था उन्होंने शायद देख लिया होगा या उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि ये स्टेट लेवल पे डिसीजन हो चुका हुआ है कि लोगों को मारा जाए और उनको कत्लेआम के जरिए मारा जाए, और इतना बड़ा कत्लेआम और खून खराबा हो कि लोग याद रखें उसको, क्या ये सूरत हाल हो सकती थी? I totally agree to this. और अब इमरान खान वो वाला इमरान खान नहीं है जो पहले 2014 में धरने में बैठा हुआ था. अब वो स्टेट मशीनरी को देख चुके हैं अंदर तक, अभी वो स्टेट रनिंग कर चुके हैं, उनको रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं. अभी सेटअप के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो के हमायती हैं, जो समझते हैं गलत हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती है. तो मेरे ख्याल है इट वॉज एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. अच्छा तो ये जो डिसीजन हुआ है इसके बाद तो फिर अभी जो ये जो इन्होंने डिसीजंस ले लिए हैं पीएमएलएन ने, इसके बाद क्या आप समझती हैं कि फिर भी 6 दिन के बाद हुकूमत जा सकती है, और क्या उनका जो मुतालबा है वो तस्लीम किया जा सकता है? क्योंकि मेरी जिनसे लोगों से भी बात हो रही है वो कह रहे हैं कि अगर इन्होंने जाना होता या इनको जाने वाले भिजवाने वाले ये समझते हैं कि इन्होंने जाना है तो फिर इस तरह के डिसीजंस ये ना लेते, क्योंकि इस तरह के डिसीजंस लेके इलेक्शन में जाना तो जो है ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगा ना। अच्छा, इस तरह के डिसीजंस लेके ये लाने वालों को ये बता रहे हैं कि वी कैन हैंडल इट. एक इत्तला ये भी है कि हम कर सकते हैं, डोंट वरी. मुस्तफा नवाज खोखर अभी कह रहे थे, गो के वो बड़ा फनी बयान है, वो कह रहे हैं कि अभी हम थोड़े से सख्त फैसले लेंगे और फिर एक साल के बाद हम बहुत नरमी देंगे आवाम को. मतलब हु आर यू फूलिंग, टू बी ऑनेस्ट? ये किस किस्म के बयान है मुझे नहीं समझ आ रही. तो इस वक्त देखिए, शहबाज शरीफ को जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा प्राइम मिनिस्टर बनने का, ये तो लिखी हुई बात है. इट इज ड्रीम रिटन ड्रीम कम ऑन, ट्रू है उनका तो। ड्रीम कम ट्रू है, तो वो तो इसे स्ट्रेच करेंगे टू द लास्ट मोमेंट. ठीक है, अब बात ये कि अब डिसीजन ये होना है कि इनको भेजना कैसे है, अब इनको इस पे लाना कैसे है. तो इसलिए ये 6 दिन का मामला नहीं है. जो उन्होंने 6 दिन का कहा है उसकी उसकी जस्टिफिकेशंस मेरे पास सिर्फ दो हैं. एक तो 6 दिन के बाद वो धरने टाइप का कोई काम नहीं करेंगे, वो मैस मोबिलाइजेशन उसी तरह दोबारा से शायद स्टार्ट कर लें जो वो पहले भी करते रहे हैं. हर जगह पे छोटे
छोटे छोटे धरने या उसी तरह से दोबारा से लोगों के साथ जाके खिताब करना शुरू कर दें, वो माउंट होगा ना, जो प्रेशर वो भी कम नहीं होगा, क्योंकि वो आज गुजरांवाला में है, परसों मर्दान में है, और फिर आपने उनकी स्ट्रेटेजी भारत देखी है, वो पेशावर से जिस तरह आए हैं, आपको मतलब दाद तो देनी पड़ेगी उनको, ठीक है। दूसरा ये है कि इस वक्त जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि विद दिस गवर्नमेंट आपको यूएस से कोई बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी, वो नहीं मिली, नहीं मिली। वो नहीं मिली मॉनेटरी सेंस में। और अभी आपको मजीद ट्विस्ट किया जा रहा है बहुत सारी और चीजों के लिए, जो कि काफी अरब ममालिक मान चुके हैं, हम लोग अभी तक माने हुए हैं, उसको शो नहीं कर रहे हैं। तो प्रेशर पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा है जियोपॉलिटिकल, और जियो इकोनॉमिक को यूज किया जा रहा है उस प्रेशर को माउंट करने के लिए। तो अभी एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल थ्रेट को हैंडल करना, मेरे ख्याल है फर्स्ट टाइम फौज को ये करना पड़ रहा है। उन्होंने थ्रेट्स को तो उन्होंने ही हैंडल करना होता है ना, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को हैंडल करना इस वक्त उनके हाथ में है। जो 6 दिन का मामला है वो ये है कि थोड़ी सी स्पेस दिया है इमरान खान ने, लोगों को भी मार खाने से, मरने से, खून रेजी से बचाया है, इन लोगों को भी स्पेस दी है। अगर अभी ये बिजली में भी इजाफा कर देते हैं तो आपके ख्याल में फिर लोग नहीं निकलेंगे बाहर? इमरान खान बुलाए या ना बुलाए, लोग तो निकलेंगे बाहर। तो ये माउंट होता रहेगा, प्रेशर विदाउट होता इमरान रहेगा। खान भी होता रहेगा और विद इमरान खान भी होता रहेगा। तो सो क्या डिसीजन क्या आप पास ये, हाँ, क्या आप देख रही हैं कि कोई ऐसी चांसेस हैं कि जो नवंबर की अपॉइंटमेंट है वो, उसका ऐलान जो है वो इसी महीने हो जाए? ऐसा होता नहीं है अमूमन, जितना मैं प्रोफेशनल आर्मी के रूल्स जानती हूँ ऐसा होता नहीं है। बट गिवन द सिचुएशन, गिवन द कुछ भी हो सिचुएशन सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई कुछ डोंट थिंक सो ऐसा होगा। बिकॉज अगर ये होता है तो विद इन द रैंक्स, विद इन द आर्मी, ये बहुत गलत मैसेज जाएगा, बहुत गलत। और इतना ज्यादा पोलिटिसाइजेशन बिटवीन द रैंक एंड फाइल ऑफ द आर्मी ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरा नहीं ख्याल होगा। स्मूथ ट्रांजिशन उधर भी चाहिए, अभी वाले हाँ साहब जो हैं वो जाएं, और जिसने भी आना है वो उसी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आए जो लिखा हुआ है। क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन जिसकी हम अक्सर बात भी करते हैं, और जो हमारी हमारी तो मतलब मैं हमेशा उसको कहा करता हूँ कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो उसके अंदर किसी भी किस्म की जो बद एतमादी या किसी भी किस्म की, मैं समझता हूँ कि जो भी एक नेगेटिव फीलिंग है उसका डर आना वो बहुत ही खतरनाक है हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे इवन हाल के लिए भी, और हमारी जियो स्ट्रेटेजी के लिए भी, और जियो इकोनॉमिक्स के लिए। देखिए स्टार, जो पाकिस्तान मिलिट्री के मॉड्यूल्स बने हुए ना, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, हाँ उन सब का बेस क्या है? उन सब का बेस है मोरल, दैट्स इट। ये मोरल की बेसिस पे खड़ा होता है। 2001 एंड 2002 में जब वॉर ऑन टेरर लड़नी शुरू की थी हमने यूएस के साथ हाँ मिलके, तो तालिबान से हमें बहुत मार पड़ी थी, क्योंकि गोरिल्ला वॉरफेयर, वो भी उन्हीं लोगों के सामने खड़े होना जो कभी आपके लिए आपके अपने साथी भाई थे, उनके सामने खड़े होकर लड़ना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस वक्त ऑन ट्रेनिंग लोगों को पिट 1 एंड पिट 2, ये दो मॉड्यूल्स बनाए गए थे, प्री इंडक्शन एंड पोस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग, यानी वो साथ साथ जंग लड़ रहे थे, साथ साथ उनको तैयारी कराई जा रही थी कि ऐसी जंग को लड़ना कैसे है। तो जिस आर्मी ने इस तरीके से जंगें लड़ी हो कि आपके सामने अपने ही लोग भी खड़े हो गए हैं, तो आपने उनको, कोई आम आर्मी नहीं है, बहुत हाँ बिल्कुल प्रोफेशनल बिल्कुल आर्मी है, ठीक है। और मैंने एब्सोल्यूट। बाहर रह के देखा है जिस तरह हर इंस्टीट्यूट में हम पाकिस्तान आर्मी के लोग टॉप करते हैं, किसी टेरेन पे ले जाएं, किसी ज्योग्राफी पे ले जाएं, किसी आप सिचुएशन में ले जाएं, ये टॉप करते हैं। सो वी हैव एब्सोल्यूट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड दैट्स व्हाई वी आर सर्वाइविंग इंटरनेशनल। तो अब एब्सोल्यूट आप, तो क्या सिर्फ एक अपॉइंटमेंट की वजह से आप ये सारा प्रोफेशनलिज्म कॉम्प्रोमाइज करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। दैट इज द क्वेश्चन। आखिर में सर ये बताएं कि इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए, पूरा सिनेरियो आपके सामने जिसे आपने ड्रॉ किया है, इसमें डू यू सी इमरान खान कमिंग बैक सून, कोई इस तरह के चांसेस आपको लग रहे हैं, या ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो? आई थिंक ही विल कम बैक इवेंचुअली, गिवन द फैक्ट कि इलेक्शंस में इंटरफेरेंस ना हो। जो कि अगेन इट्स अ बिग क्वेश्चन, बिग इफ।
और ये जो एक दिन के अंदर अंदर तीन तीन बिल्स पास हो गए हैं, आपको हाँ समझ तो आ गई होगी कि वो कितनी बड़ी थ्रेट है, इलेक्टोरल थ्रेट यस है वो इन सब पार्टीज के लिए। बाय द वे, ये जो लोग ये कह रहे थे जी कि वो बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं, बारूदी सुरंगें तो ये बिछा रहे हैं अगले आने वालों के लिए। आप मुझे एक बात बताएं, रात को हाँ 12 बजे तक इमरान खान को यकीन था कि वो नहीं जा रहे, तो हाँ वो बारूदी सुरंगें क्यों बिछा रहे थे? क्यों बिछा रहे? हाँ ये ये क्वेश्चन तो वो करता है जिसको सामने नजर आ रहा हो कि ही इज नो मोर, ना। वो तो ही वाज हेल बेंट एंड ही वाज सो ना। एडमिट एंड कॉन्फिडेंट कि ही इज गोइंग नोवेयर, तो वो क्यों बारूदी ना। सुरंगें सही बिछाते? बात, सही बात। चलें जी, इस पे इंशाल्लाह हमारी चर्चा जारी रहेगी। मेरा आपका बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ यू, प्लेजर टू हैव यू ऑन। अल्लाह ताला आपको प्लेजर खुश इज ऑल रखे और माइन। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और जो लोग भी इसके बारे में हम लोग कंसर्न शो करते हैं, अल्लाह ताला हमें भी इसकी खिदमत करने की तौफीक दे, और आप जैसे जो लोग हैं जो इंटेलेक्चुअली इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियां पैदा करे। आपका बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा, और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बनता हूँ, मेरे फखर के लिए काफी है तो ही मेरा परवरदिगार, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। तुम्हारे खींच लो तू दानी हिसाब है कहो बेशर मुझे पाकिस्तान को मेरा अजर साहब के साथ जल्दी जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। यू।